साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। ये कहना है मनीष सिसोदिया का, जो शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही ये बताने की कोशिश की कि जेल में डालने से उनके हौसले नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि जेल में तो स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने भी डाला था, लेकिन उनकी देशभक्ति का जज्बा अंग्रेज भी कम नहीं कर पाए। यानी उन्होंने खुद को सीधे सीधे स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ने की कोशिश की और अपनी लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई की तरह ही पेश किया। गौरतलब है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया था। ईडी ने उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया की रिमांड मांगी थी, जिसके जरिए उन्होंने 290 करोड़ रुपए के कथित तौर पर अपराध से अर्जित किए हैं। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक मामले में सिसोदिया को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी का आरोप है कि सिसोदिया ने 290 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिश्वत और अपराध से अर्जित करने के लिए दोषपूर्ण आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।